أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे अब्बा को हमने एटीएम से पैसे निकालने के बारे थोड़ी टहलकदमी करने भेजा। अरे आजकल कितना तला भुना खाने लगे, इसी बहाने ना सेहत भी ठीक रहेगी। और अब्बा आपकी बात मान गए? आसानी से नहीं मानते वो हमारी बात। धक्के दे के बाहर किया घर से तब गए हैं। अरे आज सुबह का अखबार तक नहीं पढ़ने दिया हमने उनको। हम एक काम करते हैं, अभी चले जाते हैं, अब्बा पे नजर रखेंगे कि वो वॉक कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं कहीं बैठ। हाँ, जाके आओ जा, है ना। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज़। कबीर यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर के पास चलो हमारे साथ। छोटी सी चोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कबीर, ये छोटी मोटी चोट नहीं कबीर, बहुत खून बह रहा है। चलो हमारे साथ चलो। देखिए जख्म बहुत गहरा है, इसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा। पहले इन्हें कुछ खिलाइए, उसके बाद ये दवाई दे देना। शुक्रिया कबीर। लो जल्दी से सैंडविच खा लो, उसके बाद डॉक्टर ने कहा है। हाँ, ये वाली दवाई पहले, ये उसके बाद खानी है, और फिर ये 15 मिनट बाद खानी है। हाँ सुनो सुनो, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। कबीर अभी इससे पहले तुम पूछो कि हमने घर पे बताया या नहीं बताया, हमने घर पे एक तला कर दिया, हमने कहा है मैं आने में वक्त लग जाएगा, अब तुम वक्त मत लगाओ, ये खाओ चलो।
हम करते हैं, हम करते हैं, रुको। तुम रहने दो। नहीं, हम कर सकते हैं। तुम कभी कबीर, अब्बा की वजह से तुमने इतना खून बहाया, इतनी चोट लगी तुम्हें। अगर तुम हमारी जगह होती और तुम्हारे अब्बू की जगह हमारे अब्बू होते ना, हमें यकीन है कि तुम भी वही करती, है ना? बचाती कि नहीं? नहीं तो बस कोई बड़ी बात नहीं। काजी साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ना आपने चाय पी, ना नाश्ता किया, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ। आपने सुबह से अखबार भी नहीं पढ़ा, हम लेके आए आपके लिए, पढ़ लीजिए। जारा को आ जाने दीजिए, खबर पढ़कर आज हमें वही सुना देगी। क्या हुआ आप बताइए तो सही हमें। आप जब से एटीएम से वापस आए हैं, आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हमें। सब खैरियत है ना? सब खैरियत है बेगम। आज एटीएम में कबीर मियां मिले थे। बहस तो नहीं हुई आपकी उनसे? नहीं बेगम, सच कहें तो बहुत अदब से उन्होंने हमें सलाम भी किया, इज्जत भी दी, उनकी आंखों में हमें अफसोस भी दिखा, जैसे कि उन्हें अपनी करनी का दुख है। हमें निकलना होगा। शुक्रिया। वैसे एक बात का जवाब देते जाओ। तुम अब्बा को आवाज़ भी दे सकते थे, अब्बा वहीं खड़े थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपना हाथ जख्मी कर लिया। क्यों? अगर आप में सही तरबियत भी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश भी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। काजी साहब पूरे मुआशरे के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगी। तुमने अब्बा को आवाज क्यों नहीं दी? या अब्बा से नसरे मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? अरे हमारी बेटी जारा को जख्मों का अंबार देकर उस इंसान को सिर्फ दुख हुआ है? हो ही नहीं सकता। और हम उस इंसान के दुख दर्द के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? हालात ने ऐसी करवट ली है बेगम कि हम देखते ही रह गए। और सच कहें तो हमारे घर में सबसे ज्यादा कबीर मियां की तरफदारी आपने ही की है। दामाद नहीं, अपना बेटा समझा है। और आज आप उनके दुख दर्द भी नहीं सुनना चाहती। सच कहें तो हमें कबीर मियाँ की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। कबीर मियाँ खैर पहले भी कभी अपने वालिद जैसे तो नहीं थे। हमें लगता था कि वो हमारे कौम की बहुत बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे, मगर कबीर मियाँ ने हमारे भ्रम का कत्ल किया है बेगम, कत्ल किया है। सिर्फ हमारा बेटा नहीं काजी साहब, आपकी बेटी भी आपके भ्रम का कत्ल करने पर तुली हुई है। मधुमक्खी की तरह चिपकी हुई है हमारे बेटे से। जरा समझाइए ना उसे, घर की इज्जत का ख्याल करे,
पीछा छोड़ दे हमारे बेटे का। जुबान संभाल के बात करिए शहबाज भाई साहब, अपनी बेटी के खिलाफ हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। बेशक हमारे होंठ सिल दीजिए भाभी जान, मगर शहर वालों का क्या कीजिएगा? लगता है आप लोगों ने आज की खबर नहीं पढ़ी। जवाब तो कभी तुम्हारे अबू की आंखों में देखने से हमें डर लगता है। अरे सारा, जब हम की आंखों में देखते तो दर्द उतर आता है उनकी आंखों में, नहीं सह सकते हम। मगर तुम उन्हें यह बात नहीं बताओगी ना, क्योंकि जरा वो शर्मिंदा हो जाएंगे हमसे ये एहसान लेकर। तुम उन्हें नहीं बता सकती सारा। तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लग गई अब्बा की? क्या तुमने रुखसती वाले दिन जो कुछ भी किया उसका पछतावा है? आज ये सवाल हमसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि हशर के दिन हमसे ये सवाल पूछा जाएगा सारा, तो हम जवाब तब देंगे। आज अपना वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। फायदा फायदा, जिस इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब वक्त के फायदे की बात कर रहा है। कबीरा तुम क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आता है। तुम क्यों कर रहे हो, हमें अच्छे से याद है हमने क्या कहा था। क्या हमने कहा था कि हश्र वाले दिन हम तुमसे सवाल करेंगे, लेकिन आज हमारा मुंह खोलने पे तुमने हमें मजबूर किया। हाँ कबीर, क्या कर रहे हो तुम, क्यों ये सब कर रहे हो? कभी भी हमारे सामने आ जाते हो, इतने अपनेपन का एहसास दिलाते हो, कभी हमें रिजवान भाई से मिलने को रोकते हो, तो कभी कहते हो कि हम रुखसार के पास ना, क्योंकि वो दोनों तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें? तो तुमने अपनी जिंदगी से हमें दूर किया था ना, कभी हमारा दिल जख्मी करते हो तो कभी अब्बा के लिए अपना खुद का हाथ जख्मी कर लेते हो। क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों कर रहे हो ये सब? तमाशा नहीं है ये जारा साहिबा, तो क्या है? इंसानियत है हमारी। अरे क्या इंसानियत कबीर, खाक इंसानियत। तुम्हारी ये नेकी और ये इंसानियत तब कहाँ चली गई थी कभी, जब तुमने हमें सबके सामने बेइज्जत किया था। तुम्हें लगी है गीला हो जाएगा वो। कबीर हमारी बात सुनो, कि नजरिए को लेकर जंग तो हमेशा से थी ना, अगर हमसे कोई शिकायत थी, हमसे नाराजगी थी, तो अकेले में जाहिर कर लेते, यूं सबके सामने क्यों रुसवा किया, क्यों कबीर? जरा असल में ये नहीं है कि हमने ये सब क्यों किया, सवाल ये है कि तुमने ये सब क्यों किया। हमारी बदसलूकी हमने बेशक की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जारा, तुम्हारी और तुम्हारी जिद की वजह से। साफ लफ्जों में कह चुके थे ना हमने सबके सामने कि हम तुमसे दूर रहना चाहते। खुला की कार्रवाई तक हो चुकी थी, काजी साहब के घर सब वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया जारा? तुम्हारी जिद की वजह से क्यों खोजी हमारी आंखों में वो मोहब्बत जो इंसान तुमसे दूर रहना चाहता है, उसी की आंखों में तो मोहब्बत कुछ थी हो। एक बात गौर से सुनो, जो हम कर रहे हैं ना, इंसानियत के तौर पर कर रहे हैं।
हम तो अपने बेटे को समझाएंगे, हिदायत जरूर देंगे कि वो आपकी बेटी से दूर रहे, मगर हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी बेटी को जरा समझाएंगे कि वो अपने घर की इज्जत पर दाग न लगाए, हमारे बेटे से दूर रहे वो। शुक्रिया। ठहरिए शहबाज साहब, ठहरिए। हमारे घर तशरीफ लाए मेहमानों को इज्जत दी जाती है शहबाज साहब, और बिन बुलाए लोगों को हकारत भरी नजरों से देखा जाता है। शायद आप हमारे शजरे से वाकिफ नहीं हैं। एक बात हम आपको और बता देते हैं कि हमारी आधी जिंदगी हमने अपने अब्बा को शहर काजी देखा है, और आधी जिंदगी हमारी इसी ओहदे की जिम्मेदारी संभालते हुए गुजर गई। इस शहर की जमीन में हमारे खानदान की जड़ें बहुत मजबूत हैं शहबाज साहब, इसलिए आप हमारी इज्जत की फिक्र बिल्कुल ना करें। और हां, जहां तक इस झूठी खबर की बात है, तो जिस भी मरदूद ने यह झूठी खबर इस पेपर में छपवाई है ना, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो काजी इरफान सिद्दीकी और उसके खानदान की असमत और उसके दामन पर दाग लगा सके। अल्लाह ने बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा है हमको। आपके साहबजादे कबीर मियां हमारी बेटी के इर्द गिर्द कितना भी मंडराते रहें, हमारी बेटी अब ये रिश्ता बहाल करने वाली नहीं है। जाइए और जाकर अपने साहबजादे को समझा दीजिए कि हमारी बेटी जारा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। टैक्सी, टैक्सी, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आ जाओ हमारे साथ, इंसानियत के नाते। तुमने हमारे अब्बा को बचाया उस खातिर, आज तुमसे बात करके ना हमारा दिल हल्का हो गया। कभी तुम्हें पता है हम इसी दुख में थे कि हमारे कबीर ने रुखसती वाले दिन हमारे साथ गैरों से भी बदतर बर्ताव किया, लेकिन नहीं, वो शख्स हमारा कबीर था ही नहीं। हमारा कबीर तो हमें उसी दिन छोड़ के चला गया था जब 12 अप्रैल वाला हादसा हुआ था। तुमने हमारे साथ जो दगा किया वो सोच सोच के हम पत्थर दिल बनते जाए थे, लेकिन आज आज हमारा दिल नरम हो गया कभी, जब हमें ये पता चला कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो इंसानियत के नाते कर रहे हो। तो ठीक है, हम भी तुम्हें घर छोड़ देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। हमें अपना फर्ज निभाने दो, आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ, क्योंकि तुम्हें लिए बगैर हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। दोनों इशारों में बातें समझ जाते हैं, एक ही सुर में बात करते हैं, ऐसी जुगलबंदी तो मैंने आज तक नहीं देखी। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब।
जारा के दामन पर कीचड़ उछालने वाले तुम हो कबीर, तुम हो।